shit, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. जी वो कहते हैं ना कि पंजाबी की कहावत है मेरे दिन मास्क वेल दियाँ टक्कर आज जुमा पढ़ने जा रहे हैं जुमा लेट हो गया इसमें मैं अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो शुरू करते हैं दुआ के साथ अल्लाह पाक अपने ईमान में रखे और दोनों जाएंगे खुशी नसीब फरमाए तो मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने आप सबको जुमा मुबारक बहुत बहुत ज़्यादा आज मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा सा तो जल्दी जल्दी जा रहा हूँ इंशाल्लाह जल्दी जल्दी भाग के जा रहा हूँ तो जुमे तक तो पहुँच ही जाऊँगा अभी तकरीबन कोई 4-5 मिनट पड़े हैं अभी और मैं इंशाल्लाह मस्जिद पहुँच चुका हूँ बस पास ही मस्जिद आ गई है जुमा पढ़ के तो फिर इंशाल्लाह कोई और काम 5 किलो का है ना तरबूज है एदा केड़ा भी सेब ये है जी मेरा कोई 5 किलो का देखना ये है जी तरबूज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा जो अदा हो गया जुम्मा पढ़ लिया था अभी सुन्नतें जो अदा हो रही थी तो मैंने भी जाके फिर पहले सुन्नतें अदा की और उसके बाद फिर खुतबा हुआ फिर जो है ना इमाम साहब ने जमात करवाई उसके बाद सुनते पढ़ के दुआ मांग के घर को वापस तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यार आज वैसे भी जुमे का दिन कभी कभी तो ठंडा होता है कभी कभी इतनी गर्मी होती है जुमे वाले दिन ना क्या बताऊँ आपको तो वैसे भी गर्मी आने वाली है जून जो है ना आने वाला है तो गर्मी अब अरूज पे हो जानी है अदवाना लेके आया था तरबूज वो अभी फ्रिज में पड़ा होगा जाकर खाते हैं ठंडा हो गया ना जैसे गर्मी है इसका तोड़ एक ही है जितना खाया जाता है तरबूज खाएं बस तरबूज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये तरबूज अब तो 10 रुपये तक हो गया है इससे भी नीचे आ जाना है जो ये कोल्ड ड्रिंक और समोसे चिप्स वगैरह खाते हैं यही अब तरबूज खाएं तो क्या ही बात है आपकी बॉडी आपके हेल्थ के लिए एकदम परफेक्ट है बस कुछ ही देर के लिए इसने फिर ऑफ हो जाना सीजन इसका तो खाना चाहिए बहुत अच्छा होता है तरबूज आ चुका है जी अब इसको खाते हैं माशाल्लाह से काफ़ी रेड निकला आज तो तरबूज खाते हैं मज़ेदार है वैसे अभी हम जा रहे हैं देसी मुर्ग लेने और क्योंकि जो ब्लैलर है वो भी 500 तक तो पहुंच गया है इससे बेहतर है कि हम जो ना ले लें देसी मुर्ग ले आए तो अभी जा रहे हैं जाके देखते हैं कोई लेते हैं अगर ब्लैलर 500 रुपये किलो है तो क्यों ना देसी खा लिया जाए इसका फ़ायदा तो हो कम से कम ब्लैलर का क्या फ़ायदा होना है अभी मुर्गी की शॉप पे पहुँचे हैं देखते हैं कौन सी फाड़ के दिखाओ मुझे ये वाइट वाली देख रहे हैं अभी कैसी है ये अभी देखिए बड़े वाली इसने अंडा भी अभी दिया है कौन से वाला अंडा दिया अभी इसने अंडा भी इसने अंडा दिया यार ये रे इसने दिया अंडा हाँ जी इसने अंडा दिए अभी चलो देखते हैं ये अभी चेक कर रहे हैं ये कितने केजी की होगी तो ये
यही पसंद आई है, यही ले जाते हैं। ये मुर्गियों का ही सारा सेटअप रखा हुआ है, कबूतर भी पड़े हुए हैं। ये वाली अभी ली है एक, ये हमने ले ली है और अब हम घर जा रहे हैं। इसका जाकर बनाएंगे आज पुलाव, देसी मुर्गी पुलाव। और मुर्गियाँ पड़ी हैं जैसे भी अभी देखते हैं। भाई जान कितने की मुर्गी है? भाई बात ही नहीं सुन रहे अभी। ये देखें ये क्या साइज है इसका, माशाल्लाह से। हमने देखी है वो तो पसंद नहीं आई, तो यही वाली आई एक और ये लेके जा रहे हैं। ये बड़ी है, बाकी वो जो पहले थी वो छोटी थी, तो ये टाइम है मैंने कहा चले उसमें से क्या निकलना है, तो ये अब लेके जा रहे हैं। ये 470 रुपए किलो पर केजी। हम ये बड़ा वाला मुर्ग ले आए हैं, ठीक है, तो इसी को अब जो है ना, ये है तकरीबन 2-1 किलो का। तो हमने आज करनी है भाई की दावत, तो इसलिए आज जो देसी मुर्ग चलेगा। मुर्ग हम ज़िबा करने लगे हैं, तो ज़िबा करके इसका गोश्त बनाते हैं, तो फिर जो है ना इसका मुर्ग पुलाव बनेगा आज। इन्हें जी रहने दे। इन्ना तेज चाकू निकल जाओ। ये मैं सुबह सुबह भाई को आया था बिठाने इधर बाईपास पे, तो भाई लाहौर जा रहे थे तो गाड़ी आई है तो उसको बिठा दिया। ये बाईपास है, इधर से गाड़ी मिल जाती है, ठीक। सब गाड़ियां बाईपास ही जाती हैं अक्सर। वो सामने सूरज निकल रहा है अभी, और नहीं जी मैं भाई को छोड़ने आया था सुबह सुबह, अब मैं जा रहा हूँ साथ ही। गांव है हमारा बाईपास के साथ ही गांव है, तो अब मैं सीधा यहाँ से गांव जाऊँगा दूध लेके, तो फिर घर वापस जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी की बस जा रही है। जी मैं आज सुबह सुबह आ गया हूँ इधर मुरब्बे पे, तो ये सूरज माशाल्लाह से निकल रहा है अभी, तो आगे चल के देखते हैं क्या। इधर चल ना, खीरे लगे हुए हैं, मैंने कहा चले वही आज तोड़ते हैं। सूरजमुखी ये जिधर जिधर इसका सूरज ने जाना है उधर उधर ही होना है। ये तकरीबन साइडों पे लगा हुआ है और बीच के जो उधर लगा हुआ है सारा ये सूरजमुखी साइड पे लगाया हुआ है। क्या आला नज़ारा है सुबह सुबह का, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अरबी है,
इसको पंजाबी में हम अरबी बोलते हैं। और ये रहा कॉलीफ्लावर, ये जी सारे ये आके ये लगे हुए हैं, यही लगा हुआ सनफ्लावर। ये जो है ना इसका भी फूल निकल रहा है अभी तो, एक ये है माशाल्लाह से। जिधर सूरज का रुख होगा उसी तरफ इनका रुख होगा, ये तो 100% है ना। अब ये सूरज ये सामने से आ रहा है, इधर से हमारा सूरज चढ़ रहा है अभी, ठीक है। तो इसका जो मुंह है वो भी सूरज की तरफ है, ये देखो उसी की तरफ है। ये है जामन और इस बार ये तो खाली है भाई, इसको तो कुछ नहीं लगा इस बार, तो ये तो रहा इस बार खाली। ये सब्जी लगी हुई है, कद्दू है और यहाँ पे तोरियाँ लगी हुई हैं। ने यहाँ पे काफ़ी घूमा फिरा काफ़ी, ये देखे सूरज कहाँ पे आ गया, पहले कहाँ था अब कहाँ पे आ गया। तो मतलब घंटा डेढ़ मैंने इधर बैठा रहा हूँ, कुछ खाया पिया इधर से ही। तो अब मैं जाता हूँ घर, दूध डालते हैं, दूध लेके तो फिर सीधे शहर जाएंगे घर में। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल और साथ वालों का भी जरूर रखिएगा। मुझे ये इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।